हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कपल का सफर। तो आज हम लोग जा रहे हैं कान्हा नेशनल पार्क। तो ऐश्वर्या, तुम एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और हम काफी समय से जाने वाले थे, बट हमारा प्लानिंग हमेशा कैंसिल हो जा रहा था, लेकिन इस बार मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। तो आज हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे डायनासोर डायनासोर नहीं, टाइगर देखेंगे। और होप सो कि हमारी सारी सफारी में हमको टाइगर दिखे और हम वो सब चीज आपसे शेयर करें और आपको सारी वीडियो क्लिप्स हम दिखाएंगे। बस हो गया, और कुछ तो आप सभी को दिखाते हैं हम कि हमारी पैकिंग बैग। तो पैकिंग तो जारी है शोरिया की। मेरा बैग ये है, कुछ कुछ सामान है, ये सुपर ट्रैक का बैग। ये लड़की देखो कहाँ चढ़ के क्या निकाल रही है, नेकलेस निकाल रही है तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। हो गया बस, चले चलो, खाली हो गए, टोपी निकालो, टोपी गाना चलाने के लिए। तो हो गए हम लोग फाइनली रेडी, चलते हैं अपनी जर्नी के लिए कान्हा नेशनल पार्क। चलो 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 चलो, चलते हैं फटाफट सामान। चले यार, सामान पकड़ते पकड़ते मैं निकला, लेके आ रही है ऐश्वर्या। चलो आओ, रखो जल्दी, धन्नो रेडी है अपनी। तो हम लोग हो चुके हैं ऑल सेट अब निकलने के लिए कान्हा नेशनल पार्क के लिए। तो हमारी गाड़ी हो चुकी है रेडी। अब हम लोग आपको सभी जो रोड में फन करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या होता है, आप सभी को आगे के ब्लॉग में देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। तो डीजल हो गया है फुल, पूरा लबा लाप कर दे भाई, हो जाएगा ठीक है फिर मामला। तो गाइस हम आ चुके हैं तखतपुर एंट्री कर रहे हैं और देखिए तखतपुर कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है ना। वैसे ही है जैसा, बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है राहुल। 10:30 बजे मुंगेली पहुंचा दिया है, इसके लिए आपकी मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी। और अब हम जाएंगे, यहाँ नाश्ता करेंगे, कुछ अपने को गरम नाश्ता क्या मिलता है वो खाते हैं और हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ की क्राउड, सुबह 10 बजे है और इतनी भीड़, बाप रे मुंगेली में ट्रेंड खुल गया है देखो, तब बड़ा। तो गाइस भूख बहुत लग रही है और ये अभी मेरे लिए नाश्ता मंगाया है, तो अब हम नाश्ता करेंगे। पर क्या है, तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है और जो मैं चाह रही थी वो तो अभी तक आया नहीं है। तो जित्तू भैया क्या क्या लेके आए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। जलेबी है। हाँ जित्तू भैया क्या क्या लाए हो? जलेबी है, बड़ा है, हाँ। आलू चाप, समोसा, अच्छा। ये सब फेमस है। अच्छा, पर मेरे लिए तो चाय बिस्किट नहीं लाए। ऐसा जलेबी खाइए, जलेबी। ओके, तो गाइस ये है मेरा नाश्ता और मुझे ये तो गाइस मुंगेली तो हमने क्रॉस किया है, लेकिन मुंगेली के आगे पड़ता है फास्टरपुर। तो फास्टरपुर से रास्ता जो खराब है, इतना ज्यादा ही खराब है कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं जैसे ही चिल्पी घाटी पहुंचूंगी तो मैं वहां आपको जाके दिखाऊंगी, फिर आपको घाट दिखाती हूँ। मतलब औसम मौसम है, मौसम भी बहुत अच्छा है ना राहुल? देखो जंगलपुर, हाँ जंगलपुर है। तुम बताओ तो रास्ता कैसा लग रहा है तुमको? बहुत ही बेकार लग रहा है अभी तो, आगे का रास्ता बहुत अच्छा होगा। हाँ तो क्या है ना, मैं आप सभी को आगे का रास्ता दिखाऊंगी कैसा है, अभी तो बहुत ही बुरा रास्ता है। और यहाँ का आप ट्री देख सकते हैं कितना ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो चिल्पी पूरा सूखा रहेगा ना भैया, देखिए जो, हाँ वो जो, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, रुको। तो गाइस ये आ गया है भोरम देव मंदिर, देखिए आप, जूम करके दिखा रही हूँ आपको। ये मेन एंट्रेंस है,
वो दिखा तो दी। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है यार। अब ये था सीजी, अब हम यहाँ से प्रारंभ होने वाले एमपी। अब ये हम एमपी में प्रारंभ हो चुके हैं। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे अजनिया। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे आपको टैग्स दिख सकते हैं कान्हा नेशनल पार्क के, रिजॉर्ट्स के। यहाँ से पूरे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मंडले जाना है। और मैं एक बात तो बताना भूल ही गया कि यहाँ से दो रास्ते कटते हैं, जो कि ये सीधा जाता है अपने कहाँ जाता है भैया, वो अंजनिया, और ये लेफ्ट जो जाता है ये है सूपखार, जो जाके जॉइंट होता है अपने मुक्की। तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोर जोन है। तो आप जा सकते हैं यहाँ से घूमने के लिए, पर रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ये पूरा फॉरेस्ट रिजर्व में आता है एरिया। और ये जो एरिया है ये अपन को बाईपास होते हुए अंजनिया ले जाता है, जो कि खटिया गेट है। जिस किसी भाई बहन को नहाना हो तो इस भाई बहन नाले में आके नहा सकता है। गाइस हमें रास्ते में मिला है भाई बहन नाला। अरे सरिया तो सो रही है, हम ड्राइविंग कर रहे हैं। इसी रास्ते पे पेन सेंचुरी भी पड़ती है, जो कि वो भी नेशनल पार्क है। और आगे है अपना पिछिया, जो कि हमको आगे जाना है और खटिया गेट पहुंचना है। तो हम लोग फाइनली लास्ट चेक पोस्ट पहुंच चुके हैं। इसके बाद कोर जोन स्टार्ट हो जाएगा और सभी रिसॉर्ट चालू हो जाएंगे। देख सकते हैं सामने चेक पोस्ट है से कोर जोन स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस अब हम और ही अंदर आ चुके हैं जंगल के, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं चार गांव, फिर वहाँ से हमारा रिसॉर्ट पास है, फिर उसके बाद हमें जाना है सफारी में। तो आप देखते रहिए। तो गाइस यहां से रिसॉर्ट शुरू हो रहे हैं, बैकवुड रिसॉर्ट, वाइल्ड पाथ रिसॉर्ट, कान्हा रिसॉर्ट, जंगल रिसॉर्ट, कुसुम रिसॉर्ट, सब अपने को इसी लेन में मिलेगा। और अब हम और अंदर जा रहे हैं अपने रिसॉर्ट के तरफ। तो गाइस हम मोचा से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी में हैं, और आप यहां का व्यू देख सकते हो, क्या ही गजब का है देखिए। और उसके बाद हमारा रिसॉर्ट आ जाएगा। ये देखिए, ये है सूरज तुमको बोल रहे कुसुम रिसॉर्ट है। अच्छा ऐसे नहीं दिख रहा उसमें, रुको ना। मैं तो गाइस ये वाली जो रिसॉर्ट है ये कुसुम रिसॉर्ट है। ये कुसुम रिसॉर्ट है गाइस। और अब हम और आगे जा रहे हैं अपने रिसॉर्ट की ओर। तो गाइस ये वाला जो रिसॉर्ट है ये है कान्हा रिसॉर्ट, देख सकते हैं आप अंदर। मैं तो मोगली जाऊंगा भाई, मोगली बन के घूमूंगा। किंगफिशर, ये है अपना किंगफिशर रिसॉर्ट। और तो मालिक भाग गया, विजय मालिक। यहाँ से मोगली कितना दूर है? मोगली मेन रोड। अच्छा है किंगफिशर, है ना? अच्छा है। अब यहाँ से किंगफिशर
क्रॉस किए हैं। 1200 गाइस, ये वाला जो रिसॉर्ट है कान्हा किष्किंधा, देख सकते हैं आप। अब यहाँ रिसॉर्ट की लाइन लग चुकी है। तो हम फाइनली मोचा पहुंच गए हैं, ये देखिए आप। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे अपने गेट की ओर, और अब हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं अपने गेट की ओर, खटिया गेट की ओर, जहाँ हमारा रिसॉर्ट है। कैसे, क्या हो गया? बाकी तो ठीक है, पंखे का कोई दिक्कत ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस सामान तो रखना है। फिर अभी तो फिर वो निकल जाएंगे ना, तो गाइस हम फाइनली खटिया गेट पहुंच गए हैं, पुलिस स्टेशन खटिया गेट का, और अब हम और अंदर जा रहे हैं। ये है अपना वाइल्ड मार्क रिसॉर्ट इधर अंदर में, और अब हम और आगे जा रहे हैं। तो गाइस ये टाइगर इन सोलेशिया होटल रिसॉर्ट, यहाँ भी एक होटल है, विंडसर टाइगर रिसॉर्ट। तो फाइनली हम अपने रिसॉर्ट आ गए हैं मोगली। तो ये हमारी एंट्री हो रही है मोगली रिसॉर्ट में। बहुत अच्छा गार्डनिंग करे हैं, सब ग्रीनरी ग्रीनरी है। यहाँ हम पार्क करेंगे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रिसॉर्ट कान्हा नेशनल पार्क, और हम आप सब ये देख सकते हैं द जंगल एक्सपीरियंस मोगली। ऐसे जनरली राहुल तो काफ़ी बार यहाँ स्टे कर चुके हैं, बट मैं यहाँ फर्स्ट टाइम स्टे कर रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? वो अभी एंट्री करी हूँ तो अच्छा है, बट अब अंदर जाऊँगी कैसा है खाना पीना रहना, कैसा है हॉस्पिटैलिटी, मैं वो देख के आपको बताऊँगी और एक एक रिव्यू दूँगी। और ऐसे तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी समय से मैं यहाँ आना चाह रही थी, पर कुछ ना कुछ कारण के वजह से हम यहाँ नहीं आ पा रहे थे, पर फाइनली वो दिन आ गया और आज हम यहाँ आ गए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और थोड़ी देर के बाद हमारी सफारी है, तो हम सफारी में भी जाएंगे। अभी हम लंच करेंगे और अब बस हमारा लगेज निकल जाए, रूम में चले जाएं, तो हम आपको धीरे धीरे सब दिखाते हैं। तो आप बने रहिए इस व्लॉग पे और हमारा पूरा व्लॉग देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फाइनली हम सब पहुंच चुके हैं कान्हा नेशनल पार्क, और हम अपने रिज़ॉर्ट पहुंच चुके हैं। अब धीरे से गाड़ी का सामान निकालेंगे, अब हम जा रहे हैं अपने रिसॉर्ट के पास, और देख सकते हो कितना सुंदर सा रिसॉर्ट, के सामने जिप्सी खड़ी हुई हैं, और देख सकते हो जीतू भी है वहाँ कैमरा लेके हमारा एक वीडियो बना रहे हैं, और ये सामने एंट्री। तो गाइस अभी फिल कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं इतना बहुत सुंदर है इंटीरियर भी अंदर का। ये अपना गेमिंग जोन है, हो गया।
आज का ही है ये बजरंग सर, वो जूनियर बजरंग जो मतलब। तो ये है मोगली रिसोर्ट, ऐश्वर्या चल रही है आगे, और ये कितना सुंदर सा रिसोर्ट है, सुंदर सा लॉन। पीछे पीछे अभी तो हम जा रहे हैं रूम अपने, और उसके बाद हम आपको पूरा रिसोर्ट का व्यू लेंगे और हम आपको भी दिखाएंगे शाम या कल, क्योंकि अभी हमें लंच करना है और लंच करके फटाक से सफारी के लिए जाना है। फटाक से जाना है दोस्तों। और ये देख सकते हो ये हमारा स्विमिंग व्यू, स्विमिंग पूल जिसमें बहुत सारे रूम्स लगे हुए हैं। और हम लोग की बिलासपुर से लेके कान्हा नेशनल पार्क की जो जर्नी रही है वो 4 घंटे की रही है ना सर, अराउंड फोर आवर्स हमने ड्राइव किया। और ये सुंदर सा यहाँ पे फ्लावर्स के साथ एक झूला जहाँ ऐश्वर्या बैठ रही है, बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे रिसोर्ट है ये, और ये रेस्टोरेंट है बहुत ही सुंदर सा। ऐश्वर्या दिखाओ रेस्टोरेंट, ये अपना रेस्टोरेंट है देखो के नाम से। ओके ये कान्हा मीडोज, कान्हा मीडोज। और अब हम और जा रहे हैं, अब यहाँ पे सब रूम के कैटेगरीज हैं, रूम के सब लिखे हैं कहाँ कहाँ पे रूम है, रूम नंबर है। अब हम दिखाएंगे हमारा रूम कहाँ है। तो ये है हमारा रूम, देख सकते हो आप, और राइट साइड बघीरा हॉल है। ये है सामने बघीरा हॉल, आगे तो ये अपना रूम देख सकते हो आप, कॉटेजेस रूम है यहाँ। और ये सुंदर सा ऐश्वर्या का यहाँ पे कॉटेज है जो कि ऐश्वर्या आप सभी को दिखाएगी और अच्छे से, जो कि आप सभी देख सकते हैं, इतना ही सुंदर है ये। वॉशरूम दिखा दो ऐश्वर्या सभी को। Wow. बहुत ही सुंदर सा, नीट ब्यूटीफुल एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। ठीक है, आई थिंक ये ओपन शावर होगा क्या? नो, इट्स बालकनी। ओके, ये बालकनी है। तो हम लोग आ चुके हैं अभी लंच करने के लिए, तो आज हमारा फर्स्ट डे है यहाँ पे, हम लंच करने आए हैं। गोगल रखना भूल गया ऐश्वर्या में। देख सकते हो कितना ही सुंदर यहाँ पे लंच का हमारा बुफेट लगा होगा, और ये बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे अरेंजमेंट है देख सकते हो आप। रुको ऐश्वर्या फूल देखता हूँ, वाह ना वाह सुंदर। सेम दिस साइड भी है, बहुत ही सुंदर सा रेस्टोरेंट। सुंदर सुंदर पेस्ट्रीज भी हैं अवेलेबल। तो ऐश्वर्या हैंड वॉश, बहुत ही सुंदर सा ये वॉश बेसिन, और ये पूरा होल एरिया रेस्टोरेंट का। और ये हम दोनों खाना खाएंगे। क्या है पनीर टिक्का सर? ये आपने कुछ नहीं देखा, सिर्फ थोड़ी सी ग्रेवी। क्या है? भिंडी मसाला। ये है फेवरेट ऐश्वर्या का भिंडी मसाला। तो ये हो गई अपनी प्लेट रेडी। वेज कोफ्ता, वेज कोफ्ता जी।
तो मैडम आप कुछ बताएंगी कि खाना कैसा है? खाना बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। मैं वेज का तो थोड़ा थोड़ा ऐसा मैंने बाउल में लिया है, बट मैं वेज को साइड कर रही हूँ राहुल की तरफ। मैंने तो सभी ले लिया है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी है खाना, बहुत ही अच्छा है टेस्टी। तो अब हम अपना मील इंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको मिलते हैं आगे के सफारी में। तब तक के लिए अपना चिकन इंजॉय कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग का हो गया है लंच, बहुत ही बेहतरीन लंच था। आप सभी को हमने दिखाया है कि हमने क्या क्या खाया है। तीन वैरायटी में वेज था, एक वैरायटी में नॉन वेज था, बाकी सैलेड, पापड़, राइस और तंदूरी रोटी जो भी था बहुत ही अच्छा था, सब था। अब जाते हैं रूम, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर हमारी फिर सफारी है, फिर जाके हम इंजॉय करेंगे अपनी सफारी। तब तक के लिए बाय बाय।